तो क्लियर हुआ हम लोगों को कैश प्राइस 2 लाख, कैश प्लस इंटरेस्ट इज नोन एज हायर परचेज सिस्टम, इमीडिएट पेमेंट दैट इज नोन एज डाउन पेमेंट। तो ये तीन टर्मिनोलॉजी हमें क्लियर हुई, कैश प्राइस, डाउन पेमेंट और हायर परचेज प्राइस। इनके साथ साथ हम लोगों को और टॉपिक्स जो क्लियर करने हैं, ये जो इंटरेस्ट 20,000 का ऐड किया है वो ऑब्वियसली किसी रेट से कैलकुलेट किया हमने, दैट रेट इज नोन एज इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट वन इज, जो भी एसेट परचेजर परचेज करेगा उस एसेट पर ईयर एंड पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो उस डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी चाहिए। और ईयर एंड मीन्स जब हम अपने बुक्स को क्लोज करते हैं, बुक्स को क्लोज करना माना अकाउंटिंग ईयर। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स जो हमें क्लियर होनी चाहिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए। मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, कैश प्राइस अगर आपके पास पूरे के पूरे पैसे हैं आप एसेट ले सकते हैं, नोन एज कैश प्राइस। अगर पूरे पैसे नहीं हैं तो आप उसे हायर परचेज सिस्टम पे परचेज करेंगे। हायर परचेज सिस्टम पे परचेज करने के लिए आपको एक अमाउंट इमीडिएट पे करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज डाउन पेमेंट। बाकी जो अमाउंट होगा आप उसे इंस्टॉलमेंट यानी किश्तों में पे करेंगे, लेकिन वेंडर उन इंस्टॉलमेंट्स में कुछ इंटरेस्ट ऐड करेगा। तो कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज नोन एज हायर परचेज प्राइस। ईयर एंड मतलब जब हम बुक्स क्लोज करते हैं, दैट इज नोन एज अकाउंटिंग ईयर। ईयर एंड पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बुक्स में, आप मीन्स हायर परचेजर। तो उस डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। इस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए चाहिए हमें इंटरेस्ट रेट, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए चाहिए डेप्रिसिएशन रेट, बुक्स क्लोज करने के लिए चाहिए अकाउंटिंग ईयर, डेट ऑफ परचेज पे बेस्ड है हमारी डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन फर्स्ट ईयर की। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी हमने क्लियर करी। मैं इमीडिएटली 2-1 मिनट में इनको रिवाइज करवा दूं। हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, दोनों में हम किश्तों पे सेट खरीदेंगे, दोनों में बेसिक डिफरेंस ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप टाइटल का है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में ऑनरशिप ट्रांसफ़र इमीडिएटली हो जाएगा, और हायर परचेज सिस्टम में लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट के बाद ऑनरशिप का टाइटल ट्रांसफ़र होगा। दो पार्टीज होंगी हायर परचेज सिस्टम में, हायर परचेजर और वेंडर। कुछ बेसिक टर्म हमें क्लियर होनी चाहिए चैप्टर को करने के लिए। कैश प्राइस, जो आप अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इमीडिएट पेमेंट करके एसेट खरीद सकते हैं, उसे कैश प्राइस जानते हैं। अगर आपके पास पैसे पूरे नहीं हैं तो आप हायर परचेज सिस्टम पे परचेज करेंगे, उस सिस्टम में एक अमाउंट आप पे करेंगे जिसको आप डाउन पेमेंट कहते हैं। बैलेंस अमाउंट आप इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे तो वो हमारी इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगे। इन इंस्टॉलमेंट में सर्टेन परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऐड करेगा वेंडर,
ये रेट इंटरेस्ट रेट हो जाएगा और ये अमाउंट इंटरेस्ट अमाउंट हो जाएगा, और कैश प्राइस और इंटरेस्ट को ऐड कर देते तो हम हमारा हायर परचेस प्राइस बन जाएगा। ईयर एंड माना अकाउंटिंग ईयर, जब आप अपनी बुक्स क्लोज करते हैं वो क्लियर होनी चाहिए हमें। परचेजर अपने बुक्स में अपनी एसेट को डेप्रिशिएट करता है ईयर एंड पर, तो हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी क्लियर होना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट डेट ऑफ परचेज, हमने ये असेट किस दिन खरीदी है। तो ये बेसिक टर्म्स हैं जो हर परचेज को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें चैप्टर स्टार्ट की, तो हमारे यहाँ दो पार्टीज हुई, हायर परचेजर और वेंडर। तो हम पहले फर्स्ट पार्टी को ले रहे हैं, हायर परचेजर को। हायर परचेजर मतलब जो असेट खरीद के ला रहे हैं। हायर परचेजर अपने यहाँ क्या एंट्रीज करेगा, फर्स्ट ईयर जिस दिन हम असेट खरीद रहे हैं, हमारे पास असेट आ रही है, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, तो क्या ये हमारी ऑन द डेट ऑफ परचेज हमारे पास एसेट आई, एसेट अकाउंट डेबिट। अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, किसने दिया हमको ये, वेंडर ने। तो हमारी कंप्लीट एंट्री बनी एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और ये फर्स्ट टाइम ही एंट्री होगी, एक ही बार होगी, ऑन द डे ऑफ परचेज होगी। एसेट आ गई हमारे पास, क्योंकि हम हायर परचेज सिस्टम पे परचेज कर रहे हैं, तो इसी दिन हमको एक डाउन पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो डाउन पेमेंट करने पर हम एंट्री बना देंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर बात आएगी ईयर एंड पी, और जो अब एंट्रीज हम करेंगे वो हर सब्सिक्वेंट ईयर में होंगी। जो फर्स्ट टू एंट्रीज हमने किए वो सिर्फ फर्स्ट ईयर होनी है, बाकी जितनी भी एंट्री हम समझेंगे वो सब्सिक्वेंट ईयर्स में होंगी, जब तक ये एसेट हमारी ना हो जाए। तो ईयर एंड पर हम सबसे पहले इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। फिर हम इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे इसी डेट पर, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और ये इंस्टॉलमेंट का अमाउंट विद इंटरेस्ट होगा, ये इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू किया हमने और ये पेमेंट किया हमने। फिर उसके बाद हमारी एसेट आई है तो हमने उसको डेप्रिसिएट करना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। और लास्ट में जो हमारे करंट ईयर के खर्चे हैं, माना इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन, उसको हम पी एंड एल से चार्ज कर लेंगे, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। ये सब एंट्रीज आप सब्सिक्वेंट ईयर्स में करते रहेंगे, जब तक कि वो असेट हमारी ना हो जाए। तो क्लियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या एंट्रीज करेंगे, दो मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर असेट खरीदने पर असेट टू वेंडर, डाउन पेमेंट करने पर वेंडर टू बैंक, ये दो एंट्री फर्स्ट ईयर होंगी। सब्सिक्वेंट ईयर में ईयर एंड पर पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, इंटरेस्ट टू वेंडर, फिर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे विद इंटरेस्ट, वेंडर टू बैंक, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन टू असेट, और लास्ट में हमारा जो खर्चा है माना इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन, उसको पी एंड एल से चार्ज कर लेंगे। ये कंप्लीट जर्नल एंट्रीज होंगी हमारी हायर परचेज सिस्टम में, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेज।